गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बेसन से बनी हुई फेस क्रीम बनाना सिखाऊंगी। ये बेसन की फेस क्रीम स्किन लाइटनिंग, स्किन वाइटनिंग और स्किन टाइटनिंग में मदद करती है। ये एक एंटी एजिंग फेस क्रीम है जो कि सारे नेचुरल इन्ग्रीडियंट से ही बनी है और आपकी स्किन को ब्राइट, ग्लोइंग, रेडियंट और स्पॉटलेस बनाने में बहुत ज़्यादा असरदार है। इस क्रीम को अगर आप लगातार कुछ दिनों के लिए यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन पर से सारी छाइयाँ, झुर्रियाँ और दाग धब्बे गायब होने लगेंगे और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा क्लियर और स्पॉटलेस बनेगी। तो चलिए अब देखते हैं कि हमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत है इस फेस क्रीम को बनाने के लिए। तो इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर, उसके बाद हमें चाहिए रोज वाटर यानी कि गुलाब जल, फिर हमें चाहिए विटामिन ई ऑयल, और अगर आपके पास ये ऑयल नहीं है तो आप विटामिन ई की कैप्सूल्स मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए ऑलिव ऑयल और लास्ट में हमें चाहिए एलोवेरा जेल। तो चलिए अब इस क्रीम को हम बनाते हैं। तो इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कटोरी के अंदर एक चम्मच ग्राम फ्लावर यानी कि बेसन को लेना है, फिर हमें इसके अंदर लगभग 2 चम्मच गुलाब जल डालना है, और गुलाब जल डालने के बाद हमें इनको अच्छे से मिक्स करना है ताकि एक स्मूथ और रनी पेस्ट मिल जाए। और इस पेस्ट की कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा रनी होनी चाहिए यानी कि बहुत ही ज़्यादा पतला ये पेस्ट होना चाहिए। अगर आपका पेस्ट गाढ़ा है तो आप इसके अंदर और गुलाब जल डालकर इसको पतला कर सकते हैं। फिर हमें इस पेस्ट को छानना है ताकि जो भी गाढ़े हैं इस पेस्ट के अंदर वो हट जाए और हमको एक फाइन बेसन का पेस्ट मिले। और छानने के बाद हमारे पास ये बहुत ही ज्यादा फाइन बेसन का पेस्ट मिलेगा और हम इसी पेस्ट से बेसन की क्रीम बनाएंगे। तो इस बेसन की क्रीम को बनाने के लिए आप सबसे पहले एक कटोरी के अंदर 2 चम्मच ये बेसन का पेस्ट ले लीजिए, फिर आप इस पेस्ट के अंदर 1/2 चम्मच विटामिन ई ऑयल डालिए, और अगर आप विटामिन ई की कैप्सूल्स यूज कर रहे हैं तो आप 2 विटामिन ई की कैप्सूल्स इसके अंदर डाल सकते हैं। फिर हमें इसके अंदर 1 चम्मच ऑलिव ऑयल डालना है, और ऑलिव ऑयल डालने के बाद अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि एक स्मूथ पेस्ट बने और ये दोनों ऑयल इस बेसन के पेस्ट के अंदर अच्छे से मिल जाए। और इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर एलोवेरा जेल डालेंगे, और यहाँ पर मैं 1 बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल इसके अंदर डाल रही हूँ। और एलोवेरा जेल डालने के बाद हमें इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है ताकि एक स्मूथ और क्रीमी कंसिस्टेंसी की क्रीम हमें मिले। और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपकी ये होममेड बेसन की क्रीम रेडी है। ये क्रीम बहुत ही ज्यादा असरदार है आपकी स्किन को लाइटन और वाइटन करने के लिए। इस क्रीम के अंदर वो सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपकी स्किन पर से दाग धब्बे, छाइयां, झुर्रियां और सनटैन की प्रॉब्लम को दूर करेगी और आपकी स्किन को बहुत ज्यादा फेयर, ग्लोइंग, लाइटर, ब्राइटर और टाइटर बनाएगी। और इस बेसन की क्रीम को स्टोर करना भी बहुत ही आसान है। आप इस क्रीम को किसी भी एयरटाइट कंटेनर के अंदर 10 से 15 दिन तक रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि आपको इस क्रीम को कैसे इस्तेमाल करना है बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए। तो इस क्रीम को सिर्फ आपको थोड़ा सा लेना है और आपकी स्किन पर अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद इसको आप अच्छे से मसाज करिए अपनी स्किन के अंदर ताकि ये क्रीम आपकी स्किन के अंदर डीपली जाए और आपको बेस्ट रिजल्ट्स दे। और अच्छे से मसाज करने के बाद आप इसको ऐसे ही रात भर के लिए छोड़ दीजिए। और इस क्रीम से बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए आप इसको दिन में 2 बार इस्तेमाल कीजिए, एक सुबह और एक रात को सोने से पहले।